अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सुरभि जोशी और सिद्धार्थ सागर की। सुरभि जोशी और सिद्धार्थ सागर की सगाई टूट गई है, वो तो हमने आपको बता ही दिया था। और सिद्धार्थ ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर सुरभि पर इल्जाम लगाना भी शुरू कर दिया है, तो उस बात पर सुरभि का क्या कहना है ये आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, जब झगड़ा होता था ना, चिखम चिल्ली हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ झगड़े में, वो भी करता था, विच इज ओके। लेकिन वो बहुत हाथ उठाने लग गया था एंड के टाइम तक, तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जो इंटरव्यू भी दिया है उसमें भी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस ही बोला है। लेकिन गलत बात यह कि कल मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैंने तो मारा ही नहीं, ये मुझे मारती थी, मैंने अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ धक्का दिया था। तो आई वुड लाइक टू शो यू सम पिक्चर्स जिससे शायद कोई भी इंसान ये बताएगा कि ये धक्के की मार तो नहीं है, जहाँ पे उन्होंने मुझे काटा है, पंच किए हैं, बाल खींचे हैं मेरे। मेरे पास पिक्चर्स हैं, पूरे घर की वीडियो है जब वो मार के गए थे चीज़ें तोड़कर, मतलब अलमारी का दरवाज़ा तोड़कर पूरा उसने लकड़ी से मुझे मारा था। तो इतनी एक्सट्रीम चीज़ हो गई थी, उसके बाद भी वो बोल रहा है कि मैंने मारा नहीं है। लेकिन कुछ अभी वो बहुत परेशान चल रहा था, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस था कुछ, ही ओ सम 70-80 lakhs टू गवर्नमेंट, उस चीज़ पे वो बहुत परेशान था कि उनके ऊपर वारंट वगैरह आ गया था और उसको पता नहीं था कहाँ से करें, तो उस चीज़ पे बहुत झगड़े होने लगे। जब फ्रस्ट्रेशन उसकी कहीं नहीं निकलती थी, बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ घूमता था फिरता था, तो एक दिन घर आया, मैंने बोला तू घर आके इतना डिप्रेस हो जाता है, मुझे बोलता है अपने घर वालों से पैसे मांगो, बाहर तुम इतने खुश हो, आई जस्ट सॉ योर पिक्चर्स, यू वर सो हैप्पी। तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बाहर जाके तो नॉर्मल होना पड़ता है। तो मैंने बोला घर आके मेरे ऊपर क्यों फ्रस्ट्रेशन आपको निकालनी है सारी, आप यहाँ आकर झगड़ा करते हो फिर मुझे मारते हो। अपनी फ्रस्ट्रेशन जब निकलती है, जब फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तो आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो, सॉरी माफ़ कर दो गलती हो गई। तो ये सब चीज़ों की वजह से झगड़े होने लगे। अभी जो झगड़ा हुआ है तो पेरेंट्स से तो वो बिल्कुल टच में नहीं है, उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये चीज़ें पता है कि वो ऐसे सब करता था, उन्होंने आकर देखी थी घर पे जब ये लास्ट सीन हुआ है, बट उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं करा, दे आर स्टिल विद हिम सपोर्टिंग हिम। तो उसकी तरफ से तो कोई नहीं है, ना फैमिली ना कोई, मैं अकेले ही थी यहाँ पे और मेरी मदर फिर आई दिल्ली से और उन्होंने ही सपोर्ट किया और कोई भी नहीं था, नोबडी केम अहेड आगे। उसने लिखा है ना कल इंटरव्यू में कि शी इज़ हैविंग फन इन हर लाइफ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं बैठ के मातम मनाऊँ आपका। मैं सच में बहुत खुश थी कि वो चले गए थे, क्योंकि मेरी ना लाइफ से टॉर्चर खत्म हो गया था। मैं वापस से, वो मुझे किसी से मिलने नहीं देता था, मेरे फ्रेंड से कुछ नहीं, मैं वापस से अपने फ्रेंड से मिलने लगी, मैं दिमाग से वापस नॉर्मल होने लगी।